बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज मैं हनुमान जी से जुड़ा एक बेहद रोचक प्रसंग तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और निश्चित रूप से अधिकांश लोगों ने इस प्रसंग के बारे में नहीं सुना होगा। लंका पर विजय के बाद जब महाराज रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था तो लंका से हनुमान जी, विभीषण, अंगद, जामवंत, सुग्रीव सभी आए हुए थे और बड़े ही हर्षोल्लास के माहौल में रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। और इसके बाद धीरे धीरे, जिससे जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम घर में होता है, उसके बाद सभी जो घर में मेहमान आए होते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके अपना वापस जाने लगते हैं, उसी प्रकार से सारे जो लंका से आए हुए प्रमुख लोग थे, विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, अंगद आदि जो है एक एक करके लौट गए, लेकिन केवल हनुमान जी अयोध्या में बने रहे। तो इसको लेकर आम जनता में एक कानाफूसी होने लगी कि आखिर ऐसा क्या है कि सभी महानुभाव लौट गए, केवल हनुमान जी यहाँ पर हैं और रामचंद्र जी, भगवान राम उनसे नहीं कह रहे कि आप अपने देश वापस जाओ। तो सब लोग, कुछ प्रमुख लोग जो है सीता जी के पास गए और उनसे बोले कि आप हनुमान जी से कहें कि वो अपना वापस लंका चले जाएं या अपने देश चले जाएं। तो सीता जी ने कहा कि मैं जब लंका में बहुत विकल स्थिति में थी तब हनुमान जी ही वो एकमात्र संबल थे जो आए और उन्होंने मुझे इस बात का भरोसा दिलाया कि कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा, निशिचर मार तो ही ले जइहें, तिहुपुर नार दादि जसु गई हैं। यानी हे माता, कुछ दिन और धैर्य रखिए, कपियों के साथ रामचंद्र भगवान जी आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तो उसी संबल के सहारे मैंने अपना बाकी का समय वहाँ पर काटा। ऐसे पुत्रवत हनुमान को मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि अब वो हम लोगों को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। अब सब लोगों की आस लक्ष्मण जी पर हुई तो सब लक्ष्मण जी के पास पहुँचे और उनसे बोले कि आप जो है हनुमान जी से लौटने के लिए कहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि रणभूमि में जब मैं मरणासन्न पड़ा था, मुझे तीर लगा था और मैं मृत्युशैया पर था, तब वो हनुमान जी ही थे जो संजीवनी बूटी लेकर आए और उसके माध्यम से मैंने पुनर्जीवन प्राप्त किया और उन्हीं की वजह से मैं आज आप सबके सामने हूँ। तो जिन्होंने मुझे जीवन प्रदान किया, ऐसे हनुमान जी से मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो लौट जाएं। अब सब लोग भरत जी के पास गए और भरत जी से बोले कि अब आप ही का सहारा है, आप ही कहिए हनुमान जी से कि आप लौट जाएं। तो भरत जी बोले, भैया, रामचंद्र जी को वन में भेजने का कलंक तो मेरे सिर पर पहले से ही है, अब ये कलंक मेरे सिर पर क्यों लगवाना चाहते हो कि मैं हनुमान जी को भी यहाँ से भेज दूँ? मैं तो कदापि ना कहूँगा कि हनुमान जी यहाँ से जाएं। अब सब शत्रुघ्न भैया के पास आए और उनसे आग्रह किया तो शत्रुघ्न बोले कि आप एक बात बताओ भाई, भाई लोग, कि मैं कभी आज तक बड़े भाइयों के सामने कुछ बोला हूँ जो अब बोलूँगा? जब बड़े भाइयों ने कुछ नहीं किया हनुमान जी के बारे में तो मैं भला कैसे बोल सकता हूँ? अब जब सबसे आस टूट गई लोगों की तो वो पुनः राघवेंद्र सरकार के पास, महाराज रामचंद्र जी के पास आए और उनसे बोले कि अब आप ही हनुमान जी से कहिए कि वो अपने देश लौट जाएं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखिए, सीधी सी पहली सी बड़ी बात यह है कि मैं तो कभी हनुमान जी का ऋण नहीं हो सकता, मैं कभी उनका ऋण नहीं चुका सकता, इतने एहसान मेरे ऊपर उनके हैं। लेकिन अगर आप लोगों का ऐसा विचार है तो मैं कल राज्यसभा में ये बात रखूँगा, बाकी देखते हैं कि हनुमान जी उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगले दिन रामचंद्र जी ने ये बात दरबार में रखी और हनुमान जी से कहा कि आप कुछ मांग लीजिए,
सभी को कुछ ना कुछ प्राप्त हो गया है। विभीषण को लंका, सुग्रीव को किष्कंधा और अंगद को युवराज पद, आप भी कुछ मांग लीजिए। अब सब लोग जो है हनुमान जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देखने लगे और सोचने लगे कि देखते हैं कि भला अब हनुमान जी क्या मांगते हैं। तो हनुमान जी कुछ पल तक चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई पद मांगता हूँ, कोई राज्य मांगता हूँ, तो लोगों के मन में ये शंका होगी कि मैं राजमद है मेरे मस्तिष्क में, लेकिन मेरे मस्तिष्क में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सभी ने एक पद मांगा है, लेकिन मैं दो पद मांगूँगा। अब तो पूरे राज्यसभा में सन्नाटा छा गया, सब सोचने लगे कि आखिर सब ने एक पद मांगा, ये दो पद कौन से मांगेंगे। इसके साथ ही हनुमान जी ने रामचंद्र जी के दोनों चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा, मैं यही दो पद मांगता हूँ, मैं यही दो चरण मांगता हूँ, मैं इनको छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं जाना चाहता। ये सुनकर सभी की आंखें छलछला आईं। तो बच्चों, इस प्रकार के भक्त थे हनुमान जी रामचंद्र जी के। तो ऐसे हनुमान जी को मैं सशत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।